हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले अल्कॉप जूनियर सिरप के बारे में। तो इसे मैन्युफैक्चर करता है अल्केम लेबोरेटरीज। दोस्तों इसमें कंटेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें कंटेंट है फिनाइल फ्रीन 5 mg और क्लोरोफिनारामाइन मिलेट 2 mg और डेक्सोमेथ्रोपन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg पर 5 ml ईच 5 ml। तो दोस्तों यह अल्कॉप जूनियर सिरप डॉक्टर कब प्रेस्क्राइब करता है बच्चों में और कितने समय के लिए प्रेस्क्राइब करता है, और दोस्तों इसके डोसेज क्या हो सकते हैं और इसकी प्राइस और इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो दोस्तों इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मेडिसिन की जानकारी हिंदी में रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो दोस्तों जो इसमें कंटेंट है अल्कॉप जूनियर सिरप के अंदर फिनाइल फ्रीन, उसका मेन काम है कि जो जहाँ सांस की नली रहती है वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स स्मॉल ब्लड वेसल्स रहते हैं उसको पतलापन करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कंजेशन जो रहता है वह कम हो जाता है। और इसमें दोस्तों जो क्लोरोफिनारामाइन मिलिएट है वो एंटी एलर्जिक है, तो यह क्या करता है जो एलर्जिक रिएक्शन रहता है उसे कम करता है, जैसे कि नाक का बहना और आँखों से पानी आना और बार बार छींकों, तो ये जो एलर्जिक रिएक्शन है इसे यह कम करता है क्लोरोफिनारामाइन मिलिएट। और दोस्तों इसमें जो हाइड्रोब्रोमाइड डेक्सोमेथ्रोपन हाइड्रोब्रोमाइड है उसका मेन काम है कि जो कफ सप्रेशन है और ये रिलीव करता है हमें कफ से, जहाँ से हमें पता चलता है कि जो एक्टिविटी हमारी रहती है कफ की वही सेंटर पे काम करता है और उसे वहीं पर रिड्यूस करता है। तो दोस्तों इस तरह से ये तीनों मॉलिक्यूल काम करते हैं। तो दोस्त तो यह अल्कॉप जूनियर कफ सिरप डॉक्टर तभी बच्चों में प्रेस्क्राइब करता है जब बच्चों को सर्दी हो, कॉमन कोल्ड हो, तभी ये डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है। और साथ में अगर बच्चे की नाक बह रही हो और उसके आँखों से पानी आ रहा है और उसे बार बार छींके आ रही है, तब ये बच्चों को प्रेस्क्राइब करता है डॉक्टर। तो दोस्तों ये अल्कॉप जूनियर सिरप लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आप खुद से लेते हैं तो हो सकता है बच्चों में साइड इफेक्ट देखने को मिले। तो साइड इफेक्ट में देखेंगे दोस्तों तो बच्चों को जब यह डोज स्टार्ट होता है तो उसमें साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कि उसका जी मचला सकता है, उसे उल्टी हो सकती है और उसका सर दर्द हो सकता है और उसमें उसके पेट में अपचन हो सकती है। इस तरह के साइड इफेक्ट है, जैसे बॉडी एडजस्ट करती है साइड इफेक्ट चले जाते हैं। तो दोस्तों इसके डोसेस के बारे में बात करें तो ये डोसेस डिपेंड करता है बच्चे की सीबीआईटी के ऊपर। तो डोसेस आप डॉक्टर की सलाह से हिसाब से लें और इसका जो ड्यूरेशन रहता है मिनिमम 3 डेज के लिए रहता है। और दोस्तों इसके बारे में बात करें तो अगर जैसे ही बच्चों को आप फर्स्ट या सेकेंड डोज देते हैं उसके बाद से बच्चों को रिलीफ मिलने लगता है, बच्चा जो नाके वगैरह जो बह रही थी वह कम हो जाती है और साथ में जो उसकी वाटर आइज आ रहे थे, जो उसके आँखों से पानी निकल रहा था, जो बार बार छींक रहा था, वह कम हो जाती है। तो दोस्तों अगर इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो यार इसकी प्राइस है 60 ml के लिए 51 rupees। तो दोस्तों वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो एक लाइक करें, और भी कफ सिरप के बारे में जानना चाहते हैं तो जो राइट हैंड साइड में प्लेलिस्ट है उसे प्ले करके देख सकते हैं, और बुखार के बारे में जानना चाहते हैं बच्चों के मेडिसिन के बारे में तो जो लेफ्ट हैंड साइड में वीडियो से प्ले करके देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो वॉकिंग में अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और भी मेडिसिन के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।